हम लोग ये पढ़ चुके थे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल एंड कैसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है. दिस वॉज टोल्ड टू एवरीबडी. एक बार इसका फिर से रिव्यू कर लेते हैं, तो अगर कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं. अगर आपकी कंपनी ने वेबसाइट के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू कोई वैकेंसी फिल करने के लिए सोची है, या किसी ऑनलाइन पोर्टल को बोल दिया, naukri.com, monster.com, इन सबको कि भाई आप हमारे लिए इम्प्लॉयज लेकर आइए, देन वी कॉल इट एज व्हाट, वेब पब्लिशिंग. कैजुअल कॉलर्स का मतलब हमने कुछ पुराने रेज्यूमे बायोडेटा देखकर लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया कि भाई इस तरह की वैकेंसी हमारी कंपनी में है, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कम फॉर द इंटरव्यू, दैट कॉल्ड एज कैजुअल कॉलर्स. एक तो ये मीनिंग है. दूसरा मीनिंग ये है कि भाई ऑफिस के अंदर ही लग जाएगा नोटिस, जो जान पहचान के लोग होंगे वो दूसरे लोगों को बुला के ले आएंगे, भाई जॉब हमारी कंपनी में निकली है, इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई इट. तो कैजुअल कॉलर का मतलब ये मत समझिएगा फोन कॉल होती है उनको, फोन कॉल तो हम करते ही करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे ही घूमते टहलते जान पहचान वाले कोई आ गए, किसी के रेफरेंस से कोई आ गए, ऑलरेडी हमारे यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो हम उनके जान पहचान वालों को जॉब दे सकते हैं. देन न्यूज़पेपर में वी कैन गिव अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दैट वी हैव जॉब रिक्वायरमेंट, दोज हु आर विलिंग कैन कम फॉर द इंटरव्यू एंड वी कैन प्लेस देम अकॉर्डिंगली. तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एडवर्टाइजमेंट. आप देखते होंगे क्लासिफाइड्स करके न्यूज़पेपर में निकलता होगा, छोटे छोटे दो दो तीन तीन सौ रुपए वाले थोड़े एड भी निकलते हैं वहां पे. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये दो तरह के होते हैं. एक प्राइवेट होते हैं जो चलाती हैं प्राइवेट कंपनीज, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है मैफॉय कंसल्टेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया में. तो आप यहाँ पे जाके अपना बायोडाटा जमा कर दीजिए, कंपनीज इनको कॉन्टैक्ट करती हैं, तो जो भी नीडेड कंपनी होगी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपका वहां पे टांका भिड़वा दिया जाएगा. गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, यहाँ पे नाम लिखवा दीजिए जन्म में, दो चार जन्म के बाद कॉल आ जाएगा. प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, मैंने अभी आपको नाम दिया था किसका, मफोए का, ठीक है, या नौकरी डॉट कॉम का. अब नौकरी डॉट कॉम क्योंकि वेब पोर्टल है तो ये वेब पब्लिशिंग में भी आएगा एंड ये इनडायरेक्टली प्लेस करते हैं, तो दिस इज अ प्लेसमेंट एजेंसी ऑल्सो. कैंपस रिक्रूटमेंट, ये मत सोचिएगा एक्शन का कैंपस का जूता पहनना पड़ेगा नौकरी के लिए, कॉलेज में ही कंपनीज आती हैं. और यहाँ पे भी दो चीजें होती हैं, अब IIM हो गया, IIT हो गया, तो यहाँ पे कंपनीज के HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट खुद जाते हैं. बट छोटे मोटे कॉलेज में क्या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज घूमता रहेगा? नो. तो व्हाट दे डू, ये किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू कॉलेज विजिट करते हैं. तो ये प्लेसमेंट एजेंसी को बोलेंगे भाई हमें 400 बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर चाहिए, तो प्लेसमेंट एजेंसी अलग अलग कॉलेज में जाएगी और कहेगी कि हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से आए हैं, हम गूगल से आए हैं, हम विप्रो से आए हैं, हम HCL से आए हैं, मारुति से आए हैं. वो एक्चुअली विप्रो और मारुति वाले नहीं होते हैं, दे आर ओनली प्लेसमेंट एजेंसीज. बट अगर IIT या IIM जाना है तो कंपनी का HR डिपार्टमेंट खुद जाता है बेसिकली वहां पे, क्योंकि वहां पे वो रिस्क नहीं ले सकते. और जो थोड़े मुन्ना छाप कॉलेज होते हैं, बाबू भोला छाप एंड ऑल दैट, तो वहां पे कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, कंपनीज विजिट करती हैं, बट एक्चुअली वो कंपनीज नहीं होती, वो कौन होती है, प्लेसमेंट एजेंसीज. क्योंकि TCS के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इंडिया के 400 कॉलेजेस में जाएगा, तो दे कॉन्टैक्ट विद प्लेसमेंट एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसीज गो टू कॉलेजेस एंड रिक्रूट स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर डायरेक्टली. समझ में आ गया, कैंपस रिक्रूटमेंट के दो मीनिंग, कंपनी का भी डायरेक्ट विजिट है और प्लेसमेंट एजेंसी का भी डायरेक्ट विजिट है. देन एम्प्लॉयज की रिकमेंडेशन पे, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको पता लगा कि ऑफिस में जॉब निकली है, आपके सुपीरियर ने बोला भाई दो लोग इस तरह के ले आओ, तो आप किसी को अगर जानते होंगे तो उनको रेफर कर दीजिए, दे कैन गेट द जॉब. दैट इज कॉल्ड एज वॉट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज. और रिकमेंडेशन का एक और तरीका है, आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया, वहां पे आपने रेफरेंसेस दे दिए कि भाई हम सो एंड सो पर्सन को जानते हैं, और अगर वो काफी नोन पर्सन है तो उनको कॉल करके पूछा जा सकता है कि भाई ये आपके जानने वाले तो इनको जॉब दे दे क्या. तो ये दोनों चीजें रिकमेंडेशन में काम आएंगी. लेबर कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में या कहीं पे लेटर से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और मेरे को बोला गया भाई 200 लेबर हमको डेली चाहिए कम से कम अगले 6 महीने तक, तो मैं वो लेबर चौराहे पे जाऊंगा जहां पे लेबर इकट्ठे होते हैं, लेबर बेसिकली नॉट लेबर, वहां से लोगों को इकट्ठा करके कंपनी में ले आएंगे, डेली उनकी अटेंडेंस लेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे. हो सकता है कल दो लोग पुराने चले जाएं और चार नए आ जाए, तो आई विल बी कॉल्ड एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर एंड थ्रू मी पीपल विल बी हायर्ड इन द कॉर्पोरेट फैक्ट्री. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे कंपनी अपने ऑफिस के बाहर ही वॉन्टेड का या वॉक इन इंटरव्यू का बोर्ड लगा देगी और लोग कंपनी के ऑफिस में आएंगे, दे विल गिव द इंटरव्यू, इफ फाउंड वर्दी दे विल बी गेटिंग द जॉब और रिक्रूटेड. समझ में आ गई सारी बातें? चलिए, सो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही हम स्टार्ट करेंगे.
तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंपनी अपने ऑफिस में ही वॉक इन इंटरव्यू या वांटेड का बोर्ड लगा देगी। तो जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो जब देखेंगे कि भाई यहाँ पे इंटरव्यू के लिए वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, तो आप चाहे अनस्किल्ड हो चाहे सेमी स्किल्ड हो, यू कैन गेट द जॉब लाइक दिस चिल्ड्रन। और ये मेथड इकोनॉमिकल क्यों होता है, कॉमन सेंस की बात है, बिकॉज यहाँ पे हम किसी प्लेसमेंट एजेंसी को हायर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और बहुत ज्यादा हमको कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करना पड़ रहा। दैट्स वाई द मेथड इज वेरी 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 इकोनॉमिकल। समझ में आ गई बात, इसको झटपट अपडेट कर लें। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। कैजुअल कॉलर्स, सो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं जिन लोगों ने कभी ना कभी हमें अप्लाई किया होगा पहले, बट हमको उस समय उनकी जरूरत नहीं थी या उनसे बेटर कैंडिडेट हमको मिल गया था। अब पर्टिकुलरली हमें और कैंडिडेट्स की जरूरत है, तो उन्हीं एप्लीकेशंस में उनके फोन नंबर्स देखेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखेंगे और उनको अगेन कॉल कर लेंगे फॉर द जॉब। दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी 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 इकोनॉमिकल मेथड चिल्ड्रेन। तो कैजुअल कॉलिंग का मतलब समझ में आ गया, कैजुअल कॉलिंग का मतलब समझ में आ गया। तो इनकी लिस्ट बनाई जाती है और लिस्ट के अकॉर्डिंगली इनको फोन कॉल करते हैं या इनके कॉन्टैक्ट एड्रेस पे चिट्ठी भी कभी कभी भेज दी जाती है। बट अब बेसिकली ये सब चलता नहीं है, सबसे ज्यादा जो चलता है इट इज थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट एंड थ्रू प्लेसमेंट एजेंसी ओनली चिल्ड्रेन। इन्हीं दो तरीकों से जनरली जॉब्स आर फिल्ड अप। ये कैजुअल कॉलर हो गया, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे चलता है, फैक्ट्री में, जहाँ पे वो लो क्लास लेबर्स की जरूरत होती है। तो ये नहीं कि एक पर्टिकुलर मेथड हर कंपनी में चलेगा या हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। मान लीजिए कि भाई आपने सो कॉल्ड अपनी एक नई बिल्डिंग बनवानी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विल टेक एटलीस्ट 3 ईयर्स, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे कम से कम 150-200 रूम्स होंगे, बहुत बड़ा ऑफिस है आपका, तो वहां पे आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे कि भाई हमको सीमेंट बालू ये सब चलाने वाले, ईटा लोड करने वाले लोग चाहिए, तो यहाँ पे क्या कैंपस रिक्रूटमेंट होगा? हाँ सर, किसी बेकार एमबीए कॉलेज में चले जाएंगे जहाँ के लड़के लड़कियां किसी लायक नहीं है, कहेंगे तुम लोग लेबर के ही लायक हो, तो चलो हम तुमको यहाँ से लेबर की नौकरी देते हैं। तो यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट होगा ही नहीं, तो यहाँ पे लेबर चौराहे पे जाना पड़ेगा, वर्कर्स को पकड़ के लाना पड़ेगा, डेली के डेली उनकी अटेंडेंस होगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को एग्जिस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये मत सोचिएगा कि ये सारे मेथड किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कैजुअल कॉलर समझ गए सब लोग? लिख दिया सबने? लिख लीजिए फास्ट, वेरी क्विकली वेरी क्विकली। कोई क्वेरी है तो फास्ट। एडवर्टाइजमेंट, ये तो बड़ा ही आसान तरीका है। न्यूज़पेपर में वांटेड करके, वॉक इन इंटरव्यू करके एडवर्टाइजमेंट निकलता है। जब आप चाहते हैं बहुत मैसिव स्केल पे लोगों को हायर करना, या चाहिए 2 ही 3 लोग बट वी नीड अ फ्रेश टैलेंट। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम सुना होगा। इनके यहाँ डायरेक्टर का पोस्ट खाली हुआ है। किसका? डायरेक्टर का। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, डायरेक्टर बहुत सीनियर पोजीशन है, तो थोड़ी सी अकल लगाइएगा। क्या कैंपस रिक्रूटमेंट में काम बनेगा हमारा? पता लगा कैंपस रिक्रूटमेंट का किसी प्रोफेसर को रिक्रूट करके ले आए। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में आपको जनरली डायरेक्टर लेवल के लोग, वो भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में एक बढ़िया सा बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा और उसमें लाइंस ऐड कर दी जाएंगी, वर्किंग इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट कहते डिपार्टमेंट इज एन एडेड प्रायोरिटी। तो अगर आप ऑलरेडी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको वहां पे 10 साल का 20 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो हम आपको सेलेक्ट करने में प्रायोरिटी देंगे। तो अब डायरेक्टर लेवल का पोस्ट जब खाली होता है तो एडवर्टाइजमेंट जरूर इशू होती है, बट वहां पे एडवर्टाइजमेंट आप कुछ क्राइटेरिया के साथ इशू करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसके अंदर लगाते हैं। एज लगा दी आपने मिनिमम 45 ईयर्स, भाई डायरेक्टर कोई 28 साल का तो नहीं बनेगा ना, और अगर बन गया तो वो लोगों को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। तो ये एड ऑन उसमें कर दिए जाते हैं। तो डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट सही नहीं है। ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे आंसर लिखने पड़ेंगे। इफ अ कंपनी इज एंगेज इन टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड लेबरर्स आर रिक्वायर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। तो यहाँ पे फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर सही आंसर होगा। क्या यहाँ पे कंपनी एडवर्टाइजमेंट देगी न्यूज़पेपर में लेबरों को हायर करने के लिए? लेबर लोग क्या उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे अगेन एडवर्टाइजमेंट मेथड यूज नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए लिख दिया सबने, खोपड़े में बात गई। यहाँ पे एक चीज आप और लिख दीजिएगा, द मेथड इज क्वाइट एक्सपेंसिव।
सिंपली इतना लिख लीजिए, एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. अंडरस्टूड व्हाई एक्सपेंसिव मेथड? विल द न्यूज़पेपर कंपनी बी प्रिंटिंग योर एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट? नो. कितनी बार तो लाखों लाखों रुपए लग जाता है एडवर्टाइजमेंट छापने में. लिख लीजिए इसको झटपट फास्ट. लेट्स कंटिन्यू फर्दर. चलन चलिए. प्लेसमेंट एजेंसीज, आपको पता है प्लेसमेंट एजेंसी क्या होती है? तो यहां पे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख दीजिए तो आपको याद रहेगा. मेफॉय कंसल्टेंट्स, देयर आफ्टर नौकरी डॉट कॉम, देयर आफ्टर मॉन्स्टर डॉट कॉम, और आजकल काफी फेमस हो गया है लिंक्डइन. सुना होगा आपने नाम इसका बच्चों. यहाँ पे भी लोग अपनी प्रोफाइल अटैच कर देते हैं और जब रिक्वायरमेंट होती है तो पीपल कैन कनेक्ट है. लिंक्डइन एग्जैक्टली होता क्या है? फेसबुक तो सब जानते ही हैं भाई. तो सिर्फ और सिर्फ हम जॉब से रिलेटेड अपनी एकेडमिक प्रोफाइल, अपना जॉब प्रोफाइल, इसको जब लोगों के साथ शेयर करते हैं तो फेसबुक से ज्यादा बेटर क्या है? लिंक्डइन है. तो लिंक्डइन पे कोई जोक वोक शेयर नहीं होता. तो आपने मान लीजिए लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना ली, अभी आप क्लास 10th पास हो चुके हैं तो आप लिख सकते हैं क्लास 10th पास. इज दैट क्लियर? 2 साल बाद वो अपने आप आपको सो कॉल्ड ईमेल भेज देगा, नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई 2 साल पहले 10वीं पास लिखा था, अब तो 12वीं पास कर ही गए होगे, फिर आपने उसको अपडेट कर दिया. कोई एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं आप उसको अपडेट कर दीजिए. कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने अक्वायर कर ली, कोडिंग सीख लिया आपने, आपने कोई मार्केटिंग का डिप्लोमा कर लिया, आपने कोई आईटी में सो कॉल्ड नई चीज सीख ली, कोई ऐप वगैरह आपने बनाया, अगर आपके नाम पे कोई पेटेंट रजिस्टर्ड है, अगर कोई आपका स्टार्टअप चल रहा है, सारा डिटेल वहां पे दे दीजिए. अब किसी पर्टिकुलर पर्सन को, सो कॉल्ड कोई पर्सन चाहिए अपने यहाँ जॉब करवाने के लिए, और वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल डालेगा कि भाई मेरे को सो एंड सो टाइप ऑफ पर्सन चाहिए. तो लिंक्डइन वाले क्या करेंगे, आपके प्रोफाइल को उससे मैच करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जो स्कूल का ईआरपी सिस्टम बना सकते हैं. अब बच्चे कहेंगे सर ईआरपी क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. वो आपके स्कूल में जब आप एबसेंट होते हैं तो मैसेज आता है ना, आप फीस ऑनलाइन जमा करते हैं तो अपडेट हो जाता है. ये सारा ऑटोमेशन स्कूल लेवल पे या किसी भी ऑफिस में जो होता है चिल्ड्रन, जो ऑफिस की वर्किंग को बेटर कर देता है, हम इसको क्या बोलते हैं? ईआरपी बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. वॉट? तो अब मैं कोई ईआरपी सिस्टम बना रहा हूं और मैं बेसिकली डील किसके साथ करता हूं? मैं होटल्स के साथ डील करता हूं, मैं हॉस्पिटल्स के साथ डील करता हूं, मैं स्कूल्स के साथ डील करता हूं, मैं यूनिवर्सिटीज के साथ डील करता हूं. खोपड़े में बात गई. तो 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम सर्विसेज देते हैं. तो अब मैंने लिंक्डइन पे डाल दिया कि भाई मेरे को 50 लोग चाहिए जिनको सो कॉल्ड इन सेक्टर्स में काम करने का एक्सपीरियंस हो. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अब इसमें आपका एक एप्लीकेशन मेरे सामने आ गया क्योंकि आपने एक ऐप बनाया था जो बड़ा ही फास्ट काम करता है. और इस ऐप में होता क्या है, इस ऐप में बेसिकली हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स की लिस्टिंग होती है. हॉस्पिटल ने अपने पेशेंट को किस जमाने में क्या दवाई दी थी, किस चीज की सर्जरी हुई थी, क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ है. और मैं भी हॉस्पिटल को यही ड्यूटी, यही काम देता हूं, तो आप मेरे काम के आदमी हैं. तो लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल मेरे सामने आ जाएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा. आप अगर यस बोलते हैं, हाँ भाई आई एम रेडी टू ज्वाइन यू, तो मैं आपका एक ऑनलाइन टेलीकॉलिंग इंटरव्यू अरेंज कर दूंगा. अगर इंटरव्यू में आप पास हो गए तो आपको हम जॉब दे देंगे. तो लिंक्डइन एक तरह का सोशल नेटवर्क नहीं है, इट इज जस्ट अन, यू कैन से, अ जॉब टाइप ऑफ नेटवर्क. कभी इस्तेमाल किया किसी ने लिंक्डइन? नहीं इस्तेमाल किया? चलिए फिर आज एक काम करिएगा, आज आप लिंक्डइन ओपन करिएगा, ईमेल से लॉग इन कर लीजिएगा और अपना नाम फोटो वगैरह डाल के अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपडेट कर लीजिएगा. कोई आपके और सर्टिफिकेशन हो, आपने कथक सीखा हो या आपने सो कॉल्ड कहीं पे 3 महीने की ड्रामा की ट्रेनिंग की हो, तो आप सब उसके अंदर डाल सकते हैं. अब मान लीजिए कि कोई ओटीटी सीरीज बन रही है. व्हाट? ओटीटी आपके शहर में. अब मुंबई से एक्टर को, साइड एक्टर, वो राजकुमार राव मेन एक्टर नहीं, शाहरुख खान सलमान खान मेन एक्टर नहीं, साइड एक्टर को हम पकड़ के लाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी. तो अब मान लीजिए शूटिंग करनी है लखनऊ में या कानपुर में या प्रयागराज में या लेटेस्ट से तेलंगाना स्टेट के किसी शहर में, तो लोगों को लाद के लाना साइड एक्टर बड़ा कंपलसरी नहीं होता और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है. तो वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर क्या करेगा या डायरेक्टर क्या करेगा, लिंक्डइन पे सर्च करेगा कि किसके पास इस पर्टिकुलर शहर में लेटेस्ट से एक्टिंग स्किल्स हैं. उसको 50-60 नाम मिल गए. अब 50-60 में से 10 ऐसे मिले जो पिछले 5 साल से थिएटर, ड्रामा, ये सब
कर रहे हैं, तो हमको तो सिर्फ 3 लोग चाहिए, तो उन 10 में से हम देखेंगे बेस्ट कौन है, हम उनका प्रोफाइल पढ़ेंगे, क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह का थिएटर उन्होंने किया हुआ है, किस तरह का ड्रामा किया है, डांसिंग आती कि नहीं आती है, डायलॉग डिलीवरी कैसी है। हमको 7 लोग 7 मैच करके मिल गए। अब उस 7 में से हम किसी 3 को पकड़ लेंगे। तो कहां से हमने पकड़ा उनको? लिंक्डइन से। तो आपका दोस्त अगर खो गया, बहुत पहले आपके साथ था, तो आप उसको फेसबुक से पकड़ सकते हैं। तो प्रोफेशनल्स को कहां से पकड़ सकते हैं आप? लिंक्डइन से पकड़ सकते हैं। पहली बार सुन रहे हैं आप लोग लिंक्डइन का नाम? अरे बहुत पुराना है भैया, बहुत पुराना है। चलिए, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? चलिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। गवर्नमेंट तो चलाती चलाती है, प्राइवेट एजेंसीज भी आजकल चला रही हैं। ये आपका naukri.com, ये भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही है। हाँ, गवर्नमेंट वाले में एक चीज है कि आपने अपना नाम इस साल अपडेट करा दिया, 2-4 जन्म के बाद तक तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जनरली गवर्नमेंट चलाती थी जब प्लानिंग का एरा चालू हुआ, बट एज ऑफ टुडे कंट्री कोई भी हो, इंडिया हो, कोई भी हो, चिल्ड्रन मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है? प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। क्या गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बताएगी आओ हमारे पास इंप्लॉय है तुम रख लो इसको? नॉट एट ऑल। तो जो गवर्नमेंटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, दे आर ओनली रन जस्ट टू गेट जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, एक न्यूज़पेपर आता है चिल्ड्रन, जिसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, अगर आपने देखा हो तो, वीकली एक बार आता है, थोड़ा स्मॉल न्यूज़पेपर होता है, उसमें सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जॉब्स निकलते हैं। अगर आपको आईएएस के लिए भी अपियर होना है तो यूपीएससी का फॉर्म कब आएगा, या मान लीजिए बीएसएनएल में कोई नौकरी निकली लेटर से किसी टेक्नीशियन की, सारा का सारा उस न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। आजकल कुछ प्राइवेट कंपनीज भी उस न्यूज़पेपर में जॉब्स के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट देती हैं, तो दैट न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ सो कॉल्ड जॉब्स ओनली, और वहां पे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। और ऐसे न्यूज़पेपर बहुत कम छपते हैं, सब लोग नहीं छापते, इंडिया में एक ही दो आते हैं बस। नहीं, एडवर्टाइजमेंट में भी आएगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इसको बोलते हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये स्पेशल न्यूज़पेपर्स आते हैं, और इन न्यूज़पेपर्स में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एड्स या नोटिफिकेशंस ही मिलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि मेरी न्यूज़पेपर एजेंसी है और ऐसा अखबार छाप रही है, तो मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बोला कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो हम फ्री में छापेंगे, क्लियर, क्योंकि सरकारी है आप, समझ में आ गया? बट ये हम तब बोलेंगे जब हमें मेजोरिटी पैसा देने वाले एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाए। आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा? अगर न्यूज़पेपर कंपनी अपनी कॉस्टिंग कैलकुलेट करे तो क्या 5 रुपए में आपको न्यूज़पेपर दे पाएंगे? नो। तो इतना सस्ता कैसे होता है न्यूज़पेपर? करोड़ों रुपए हम एडवर्टाइजमेंट से कमा लेते हैं। तो आज न्यूज़पेपर छपने की कॉस्ट मान लीजिए 2 करोड़ रुपए आई, कितनी? 2 करोड़। और हमारे 2 लाख रीडर्स हैं, कितने? 2 लाख। तो एक रीडर के ऊपर कॉस्ट कितनी आती है लेटर से? 100 रुपए। 2 लाख रीडर्स हैं, समझ में आ गया? और सॉरी, 10, हाँ 100 रुपए आएगी कॉस्ट एक रीडर के ऊपर। अब 100 रुपए में अगर आप न्यूज़पेपर बेचेंगे, 2-4 लोग खरीदेंगे मोहल्ले में और कोई नहीं खरीदेगा। 2 करोड़ के न्यूज़पेपर को जब छापा, हमारे पास कम से कम 5 करोड़ का तो ऐड आ गया। कितने का? आज के दिन का तो 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो न्यूज़पेपर कंपनी तो फ्री में भी छाप के दे सकती है न्यूज़पेपर आपको, बट वो ऐसा क्यों करेंगे? तो एक नॉमिनल सी 3 रुपए 5 रुपए वो आपसे फीस ले लेते हैं। समझ में आ गया? एल्स इतना ऐड इनको मिल जाता है कि ये न्यूज़पेपर फ्री में भी डिलीवर कर सकते हैं आप तक। खैर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझ गए सब लोग? तो अलाहाबाद सिटी में आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहां पे मिलेगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बिल्डिंग लोगों ने, सॉरी यूनियन पब्लिक सर्विस नहीं, क्या नाम है भाई उसका, हाँ यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस देखा होगा। उस ऑफिस के आगे एक चौराहा है चिल्ड्रेन, आपने म्यू हॉल जैसी जगह का नाम सुना होगा, ठीक उसके बगल में आपको एक टूटाई सी बिल्डिंग मिल जाएगी, और समझ में आ जाएगा कि क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो इनके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर मत ले जाइएगा कि पहले जरा बिल्डिंग अपनी ठीक बनवा लें फिर लोगों को जॉब दें। चलिए, समझिए इस बात को, समझिए इस बात को भाई, कॉपी एवरीबडी। चलिए, कैंपस रिक्रूटमेंट, ये तो आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा, जैसे वो 3 इडियट्स में आपने देखा होगा, वो राजू रस्तोगी की नौकरी लग रही होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो अगर आपको किसी IIT या MBA ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से लोग चाहिए, तो आपको सीधे उनके कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। तो हेयर द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट
विद द यूनिवर्सिटीज एंड एमबीए और सो कॉल्ड बीटेक कॉलेजेस, और यहाँ पे इनको इनके रिक्वायर्ड पर्सोनल मिल जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, कैंपस रिक्रूटमेंट में जो कैंपसेस आईआईटीज और आईएम्स के होते हैं, कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग खुद जाते हैं यहाँ पे, बट बाकी जगह दे सेंड होम चिल्ड्रन, दे सेंड एजेंसीज। तो अगर आपके शहर में कोई एमबीए कॉलेज हो, कोई बीटेक कॉलेज हो, और आपको नजर आए टीसीएस ने 400 लोगों को हायर किया, अगर बच्चों ये आईटी आईएम्स हैं तो मैं इस बात को मान लेता हूं, बट अगर ये आईटी आईएम्स नहीं है तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो टीसीएस का बैनर लगाती हैं, विप्रो का बैनर लगाती हैं, टाटा का बैनर लगाती हैं और 300-400 लोगों को ले जाती हैं। थोड़ी सी अकल लगाइए, एक कॉलेज से क्या टाटा वाले 150 लोग ले जाएंगे? इंडिया में पता नहीं ऐसे कितने हजारों कॉलेजेस होंगे, क्या इतना रिक्रूटमेंट टाटा में है? नो। तो सर इनकी नौकरी कहां लगती है? असलियत सुन लीजिए मेरे मुंह से, आप सोचेंगे सर ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। एक एक्स पब्लिक इंस्टीट्यूट है, अब उसको लग रहा है कि अगर हम प्लेसमेंट नहीं करवाएंगे तो हमको एडमिशन नहीं मिलेंगे, तो ये किसी प्लेसमेंट एजेंसी को पकड़ते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ एक इंटरव्यू रखवा दो। तो इंटरव्यू में लेट अस से 100 स्टूडेंट्स बैठ गए, 100 में से दिखाया कि 20 की नौकरी लग गई, नौकरी नहीं लगी, इनकी ट्रेनिंग लगी है। क्या लगी है? ट्रेनिंग। अल्टीमेटली इन 20 में से हम 10 को रिटेन करेंगे और बाकी 10 को भगा देंगे। सैलरी पैकेज जब देने की बात आएगी तो 4 ही लोग हाँ बोलेंगे, बाकी 6 भाग जाएंगे। और ये भी बोला जाता है जो एक बार कैंपस रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू में बैठ गया उसको दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? क्यों नहीं मिलेगा? कॉलेज बताता है कि भाई सीट आपकी भर गई, अब दूसरे को पार्टिसिपेट करने दीजिए, एक्चुअली कॉलेज की पोल खुल जाती है। आईटी और आईएम्स में ऐसा नहीं होता है, जितनी भी कंपनीज आ रही हैं आप जितनी बार चाहे उतनी बार इंटरव्यू में बैठिए, आपको 5 जगह से ऑफर मिल गया, जो बेस्ट है आप उसको ले लीजिए। तो अल्टीमेटली 4 लोगों ने हाँ बोली, 4 में से शायद एक को तो हम टाटा में भेज देंगे, बाकी 3 की नौकरी पता कहाँ लगेगी? टाटा जिससे आउटसोर्स करता है अपनी सर्विसेज, इन 3 लोगों की नौकरी वहां पे लगती है बेसिकली। और घर में क्या बोलते हैं कि हमारी नौकरी कहाँ लगी है? टाटा में लगी है। ये है सो कॉल्ड झोला छाप एमबीए और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सच्चाई। बच्चों समझ में आ गया? तो न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे विप्रो ने 50 लोगों को हायर किया, एक कॉलेज से 50। इंडिया में ऐसे 1000 कॉलेज होंगे, विप्रो में इतनी नौकरियां हैं भी, तो प्रैक्टिकली ये नौकरियां किस लेवल की मिलती हैं? भाई जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एचसीएल आपको ले जाएगा और आपको लगेगा आपकी नौकरी सैमसंग में लगी है। हाँ, एचसीएल वालों ने सैमसंग की वॉशिंग मशीन टेस्टिंग करने के लिए जो एंसिलरी बनाई है, नौकरी वहां पर लगी है। इज दैट अंडरस्टूड? लोग कहते हैं हमारी नौकरी गूगल में लगी है, अरे गूगल तो यूएस में बैठा है भैया, उसके ब्रांच ऑफिसेस इंडिया में है। तो गूगल ने एचसीएल से प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया हुआ है, एचसीएल सॉफ्टवेयर बना के गूगल को देगा, जो गूगल आगे बोइंग एयरबस जैसी कंपनीज को सप्लाई करेगा, क्योंकि बोइंग डायरेक्टली एचसीएल से ना खरीदने वाला, या खरीदेगा भी तो उस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं खरीदेगा। तो आप बोलते हैं कि आपकी नौकरी गूगल में लग गई, एक्चुअली नौकरी कहां लगी है? एचसीएल में लगी है। इज दैट क्लियर? आप गूगल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और कॉलेज में बोला जाएगा गूगल आया था 150 लोगों को लेकर चला गया, ना गूगल आया ना एचसीएल आया, एक फर्जी प्लेसमेंट कंपनी आई जो आपको नौकरी देगी, समझ में आ गया, और जिसमें से 100 लोग का इंटरव्यू होगा, 20 को सेलेक्ट करेंगे। कितनी बार ऐसा भी होता है 3 महीने की ट्रेनिंग करा के पैकेज इतना कम देंगे कि आप अपने आप नमस्ते कर लें। बट ये चीजें एक आम जनता को पता लगती नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो उसी दिन का एड छपता है कि भाई गूगल आया और 50 को लेकर चला गया, और बाद में पता लगा कि 50 में से नौकरी सिर्फ 2 की ही लगी। Is that understood? चलिए, recommendation by employee। तो मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके employer ने बोला भाई अगर कोई तुम्हारा दोस्त है, इस तरह की स्किल उसके पास है, कोई रिश्तेदार है तो उससे को अप्लाई कर दे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिकमेंडेशन ऑफ employee। एंड why दिस मेथड इज economical? बिकॉज आपको कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह देनी नहीं पड़ रही है। समझ गए इस बात को? कोई क्वेरी है तो आस्क। Any queries, children, on this? So, बस एक true fact सबको याद रखना है, ये सारे के सारे methods organization to organization differ करेंगे या same रहेंगे? Differ करेंगे। Is that clear? तो मान लीजिए एक छोटा सा कोई नर्सरी केजी वाला स्कूल है, वहां पे एक नर्सरी टीचर चाहिए, तो क्या हम किसी बीएड कॉलेज में जाकर, I repeat children, बीएड कॉलेज में जाकर so called टीचर्स का इंटरव्यू लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम सो कॉल्ड एक नर्सरी स्कूल चला रहे हैं किड्जी टाइप, तो जो टीचर्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं
हम उनसे कहेंगे कि भाई आपके कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, उनको ले आइए। बट अगर मान लीजिए कि हमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, तो हम किसी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां पे जो लोग पीएचडी कर रहे होंगे मार्केटिंग फाइनेंस फिजिक्स एंड ऑल दैट, वहां से अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रिक्रूटमेंट कर देंगे। नहीं समझे बात को? बट अगर हम एक सरकारी यूनिवर्सिटी है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कौन करेगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो ही रिक्रूट करेगा प्रोफेसर को। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर मेथड जो आपने पढ़े उनको काम में नहीं लाना है। तो गवर्नमेंट के लिए मैक्सिमम रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूपीएससी करता है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो हर स्टेट के अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, आई रिपीट, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे मार्केटिंग के लिए 5 प्रोफेसर चाहिए, सोशल साइंसेस के लिए 3 प्रोफेसर चाहिए, इंग्लिश के लिए 4 चाहिए, ऑफिस स्टाफ भी चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटीज अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज देंगी। यूपीएससी सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के कितने रिक्रूटमेंट्स करवाने हैं सबकी लिस्ट बना लेगा, और पता लगा 600 रिक्रूटमेंट चाहिए अलग अलग पोस्ट के लिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट रोजगार समाचार करके एक न्यूज़पेपर आता है, मैंने बताया आपको, हिंदी में रोजगार समाचार, इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, तो यहाँ पे छाप देंगे भाई इस डेट को इंटरव्यू होगा, ये पैरामीटर्स होंगे एंट्रेंस टेस्ट के, आप भर दीजिए फॉर्म। अंडरस्टूड एवरीबडी? बट अगर कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है इनकी बात करें, हम मान लीजिए फैजाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, तो दे ऑल कम अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको अपनी रिक्वायरमेंट हम भेज देंगे। तो अब यहाँ पे यूपी के लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, बाई 20% कैंडिडेट्स सिर्फ यूपी के होंगे, 80% ऑल इंडिया से भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं ये काम करती हैं रिक्रूटमेंट का। नहीं समझे बात को? समझ में क्या? मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है क्लास 12 तक का, टीचर रिटायर हो गया 31 मार्च को, कब? अब रिक्रूटमेंट तो होगा जुलाई में, तो 3 महीने के लिए सीट खाली रहेगी, तो वहां के वर्किंग टीचर से बोलेंगे भाई अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव को 3 महीने के लिए ले आइए। सीधा इंटरव्यू है, एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, और भाई अगर ऑलरेडी वो टीचर हमारे यहाँ जॉब कर रहा है तो हम उसी को प्रायोरिटी दे सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब फैक्ट्री में कहीं पे अनस्किल्ड पर्सन लेबर छाप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो चौराहे से हम लेबर पकड़ लाएंगे 200-300, देखिए कोई अपने दोस्त या ना मिल जाए, पता लगा उनको भी पकड़ के ले गए। समझ में आ गई बात? और जिनको पढ़ने लिखने में ध्यान कम है उनको आप बोल सकते हैं परेशान ना हो, आज सर ने बताया था कि तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी, बट कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं होगा। कैसे रिक्रूटमेंट होगा? लेबर कॉन्ट्रैक्टर की तरह। समझ गए इस बात को? लिख लीजिए फास्ट, ना सारे इंक्लिशन पेन में है। चलो, वेब पब्लिशिंग चल रहे हैं। देखिए एक और नई आपको मिल गई साइट, मैंने तो naukri.com बताई थी, एक और क्या आ गई, jobstreet.com। इनके ऑफिसेस भी बड़े बड़े शहरों में होते हैं चिल्ड्रन, वहां पे भी ये लोग लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उस केस में एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो जाएगा। बट जब ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू काम करें तो वी टेक द नेम वेब पब्लिशिंग। तो जब इंटरनेट नहीं था तब काम यही होता था बट ऑफलाइन होता था, तो नाउ इट इज वेब पब्लिशिंग। कंपनीज को कम लोग चाहिए, कंपनी को भरोसा नहीं है इन सब पे, तो वो अपनी वेबसाइट्स पे खुद करियर नाम से एक बटन होता है उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा क्या क्या ओपनिंग्स, किस किस पोस्ट पे रिक्वायरमेंट अभी जॉब की है। एल्स अगर हमारे पास पैसा नहीं है या हमको सेलेक्ट करने की अकल नहीं है तो हम इन वेबसाइट्स के थ्रू भी जा सकते हैं। गॉट इट? लिख लें इसको भी। चलिए सेलेक्शन चल रहा है सर, सिलेक्शन में ऐसे करते हैं उल्टा लटका देते हैं। नहीं, उल्टा नहीं लटकाते हैं, अभी मैंने तरीके बताए रिक्रूटमेंट के, अब प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ही सिलेक्शन है बेसिकली। ओके, सो पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन, सिलेक्शन। एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, द डेफिनेशन गोज लाइक दिस, जो भी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं उसमें से आपको सो कॉल्ड सॉर्टिंग करनी है मोस्ट सूटेबल की। सॉर्टिंग मतलब फालतू की एप्लीकेशन डिब्बे में और अच्छी वाली आपकी टेबल पे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सिलेक्शन। इन्हीं एप्लीकेशंस को देखकर हमारा प्रोसीजर जो भी होगा, रिटन टेस्ट है, फिर ग्रुप डिस्कशन है, फिर इंटरव्यू है। सर एमबीए कॉलेज का एडमिशन हो रहा है कि नौकरी मिल रही है? नहीं, नौकरी मिल रही है,
रिटन टेस्ट से पता लग जाएगा कि अकल कितनी है आपके पास। ग्रुप डिसीजन से पता लग जाएगा कि आप सोशली ग्रुप में कितना रिस्पॉन्सिव हैं, कितना आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं। और फिर कुछ आपसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके बारे में पूछनी है तो वील होल्ड वॉट पर्सनल इंटरव्यू। इसके बाद फिर प्लेसमेंट आ जाएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, इसके बाद प्लेसमेंट। खोपड़े में बात गई, कॉपी कर लीजिए फास्ट। ऐसे एक लाइन को जरा आप लिख भी लें तो काफी काम की बात है। द वे इन विच एम्प्लॉइज शैल बी गेटिंग द एक्सेस टू कनेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ जॉब। सो यहां पे आप वे के आगे ब्रैकेट में बच्चों मेथड भी लिख लें, ठीक है? सुनाई पड़ी बात? इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। इतनी बात समझ आई भाई? इतनी बात समझ में आ गई? एंड द प्रोसेस लाइक रिटन टेस्ट, दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूं मैं और मेरे को लेबर सप्लाई करना है फैक्ट्री में, क्या मैं उनका रिटन टेस्ट लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। रिटन टेस्ट फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो प्रोसेस के आगे आप एक ब्रैकेट और बनाएं और यहां पे लिखें फॉर द चोजन मेथड। कैजुअल कॉलिंग है, कंसल्टेंसी के थ्रू लिया, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, ये तो मेथड से। अब इसका जो प्रोसेस होगा जनरली यही होता है बच्चों, फॉर स्किल्ड वर्कर्स हमें रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू करना है। अनस्किल्ड के लिए ये सब करने की कोई जरूरत होती नहीं है। जब उसके पास स्किल ही नहीं है, वो एक नॉर्मल सा लेबर का काम करना है, ईटा ढोना है, तसला में उसको सो कॉल्ड बालू और सीमेंट मिलाना है, क्या वहां रिटन टेस्ट लेंगे? बताओ दीवार के प्लास्टर की कितना बालू कितना सीमेंट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? फॉर द चोजन मेथड दैट इज रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड डन अमंग द सॉर्टेड एप्लीकेंट्स आउट ऑफ मेनी इज कॉल्ड एज सेलेक्शन। तो काफी बच्चे तो इसी में कंफ्यूज जाते हैं कि रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, हमें डिसाइड करना है कि किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। आई रिपीट, किस तरीके से? तो आप ये भी बोल सकते हैं घर में गेस्ट आए हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि हम सो कॉल्ड उन्हें कोल्ड ड्रिंक डिस्पोजल ग्लास में दें या कांच के ग्लास में दें। तो ये रिक्रूटमेंट है, कितनी कोल्ड ड्रिंक दी जाए, कौन से फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक दी जाए। खोपड़े में बात गई, किस तरह का कांच का ग्लास इस्तेमाल किया जाए, घर में चार तरीके के ग्लास हैं, दैट इज कॉल्ड एज वॉट सेलेक्शन। इज दैट क्लियर? तो हाउ टू गेट इज रिक्रूटमेंट। नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट दैट इज नोन एज सेलेक्शन बेसिकली। समझ गए इस बात को बच्चों? ये दो डिफरेंस समझने बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो आपको हमेशा लगेगा कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक ही चीज है, ऐसा नहीं होता है। समझना क्या क्या पहन के जाना है, मतलब इंडियन एथनिक वेयर पहनना है या कैजुअल क्लोथ पहनने हैं, घर में सो कॉल्ड बर्थडे पार्टी है तो ये रिक्रूटमेंट हो गया। अब एथनिक वेयर में भी पांच तरीके की ड्रेस मटेरियल है, कैजुअल में भी 10 तरीके का, तो इसमें क्या पहनना है, इट इज कॉल्ड एज सेलेक्शन। समझ गए इस बात को बच्चों? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। सबने लिख दी डेफिनेशन, तो सेलेक्शन प्रोसेस लिखने चलें जिसको हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम है जितनी एप्लीकेशन आई हैं उनको देखकर बढ़िया वाली रख लें और घटिया वाली कूड़े के डिब्बे में नहीं हटानी है। कल को हो सकता है ये फिर से काम आए तो कैजुअल कॉलिंग करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैंने आपको बताया ना यहाँ पे बच्चों रिटन टेस्ट लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सेलेक्शन टेस्ट।
इसमें एप्टीट्यूड एंड ऑल दैट ये सब हम देखते हैं। जो लोग सिलेक्शन टेस्ट पे पास हो गए उनका ग्रुप डिस्कशन होगा फॉलोड बाय व्हाट पर्सनल इंटरव्यू। फिर चेक करेंगे वो पहले किस कंपनी में काम कर रहे थे, क्यों कंपनी छोड़ी या निकाले गए, या सोसाइटी में उनका स्टेटस क्या है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि इतने पर्टिकुलर लोग, मान लीजिए हमारे पास 2 वैकेंसी है और 50 लोगों ने अप्लाई किया था, हमने 10 का इंटरव्यू कंडक्ट कराया। वैसे रूल 3 टाइम्स का होता है, रूल इज 3 टाइम्स, अगर 2 चाहिए तो इंटरव्यू 6 का कर लीजिए आप, इज दैट क्लियर, बाकी आप ज्यादा भी कर सकते हैं। फाइनली हमने उन दोनों को बुला लिया और बोला कि भाई अपनी फिटनेस रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सबमिट करो, फुल बॉडी चेकअप टाइप, कि मेडिकली इल तो नहीं हो, कोविड का वायरस लेके तो नहीं आ रहे हो। फिर उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा, इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कायदे कानून आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं बिना इंफॉर्मेशन के आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी बातें लीगली कहां पे लिखी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी जाती है। समझ गए इस बात को बच्चों? नहीं समझे पक्का? तो हाउ थिंग्स आर डन, दिस वील डू इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन।